वालेकुम एंड हेलो एवरीवन क्या हाल है आप सबके उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ खुशपाश हूँ वेलकम बैक टू माय चैनल हथ्स लाइफ इन द यूके आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी मेरा बर्थडे व्लॉग तो बने रहिएगा मेरे साथ और बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का ये व्लॉग बच्चे हो या बड़े चाहे कोई भी हो हर किसी को अपनी बर्थडे का तो बड़ा इंतज़ार होता है और इतनी एक्साइटमेंट होती है कि अब सबकी तरफ़ से फ़ोन आएगा एक प्रोटोकॉल मिलेगा और अगर वो बच्चे होते हैं तो उनको उनके मम्मी पापा की तरफ से और सारी खालाएं चाचा ताया सब की तरफ से खूब सारे गिफ्ट मिलते हैं और जो एडल्ट होते हैं उनको ये होता है कि उनके जो बेटर हाफ होते हैं चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो उनको इंतज़ार होता है एक सरप्राइज़ गिफ्ट का <laughs> कोई कोई हस्बैंड जो होते हैं वो हमेशा सरप्राइज़ गिफ्ट देते हैं कोई वाइफ होती हैं वो सरप्राइज़ गिफ्ट देती हैं तो बड़ा मज़ा आता है मैं भी सुबह सुबह नमाज पढ़ के दुआ मांग के हर चीज़ अपना इबादत करके मैं फ्री हो के किचन में आ गई सुबह सुबह अपने बर्थडे मनाने तो ये मेरा बर्थडे जो शुरू हुआ था दिन तो वो इबादत से शुरू हुआ फिर उसके बाद में मैं मिशाल के लिए टिफ़िन बनाने लग गई थी टिफ़िन बनाते बनाते मुझे ये ख़याल आया कि जब हम भी छोटे थे तो अम्मी और ख़ाला ऐसे ही टिफ़िन बना कर दिया करती थी फिर उसके बाद में जो है मैं आ गई थी आज मैंने सोचा था कि आज मैं पूरियाँ चने और खीर बनाऊँगी ज़ाहिर सी बातें एक अपना स्पेशल डे था मेरा तो मैं काफ़ी एक्साइटेड भी थी थोड़ी और फिर मैंने अपने दिन का आगाज़ किया सबसे पहले मिशाल को पहले मुझे स्कूल ले जाना था तो मैं उसके लिए ये ब्रेकफास्ट बना रही थी मैंने उसके लिए सबसे पहले जो है ना पालक काट लिए थे मेरे बच्चे जो है ना वो सब्ज़ी ऐसे अगर खिलाओ तो वो कभी भी नहीं खाएंगे लेकिन अगर मैं स्पिनच को अगर ऑमलेट में डाल के दूँ तो वो ज़रूर खा लेती है ख़ास मिशाल जो है वो अब जैसे बड़ी हो रही है तो उसे बड़ा एक टेस्ट लग रहा था तो मैं इसमें स्पिनच थोड़ा सा काट के और उसमें एक एग डाल देती हूँ और फिर उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी मिर्चें मिर्चों का पाउडर थोड़ा सा बिल्कुल नाम के लिए बस डाल के और उसको खूब अच्छे से ना फेंट लेती हूँ और फिर विस्क करने के बाद में जो है फिर मैं उसमें थोड़ा सा जो है ना वो चीज़ डालती हूँ तो ये है ना चीज़ ऑमलेट हो जाता है बड़ा मज़ा आता है इसका मैंने भी कई बार ट्राई किया था उसके बाद इसको खिलाना शुरू किया तो उसको बड़ा मज़ा आया इसमें कॉर्न भी कभी कभी मैं डाल देती हूँ और लेकिन उस दिन मेरे पास कॉर्न नहीं था तो मैं उसमें शामिल नहीं कर पाई तो ये जो है ये प्रोटीन और आयरन पैक्ड ब्रेकफास्ट है ये तो अगर आपके बच्चे जो हैं वो अगर नहीं सब्जी खाते तो उनको इस तरीके का बना कर दें वो ज़रूर खाएंगे क्योंकि वो बहुत मज़ेदार होता है ये और आप अगर इसको ब्रेड के अंदर अगर डाल के इसको टोस्ट करके दें तो भी इसका अलग ही मजा होता है यकीन माने हर चीज़ इसके आगे फेल है एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा चलें, आज फिर बात करते हैं दोबारा से अपने टॉपिक पे आते हैं बर्थडे के अच्छा तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा जो बर्थडे था ना वो था ट्वेंटी सिक्स अक्टूबर को तो ये हमेशा जो है अ, मेरी ख़ाला जो है उनका ट्वेंटी फोर को है और मेरा जो है वो ट्वेंटी सिक्स को तो हम लोगों को एक दूसरे का याद होता है और मैं मुझे बेसिकली मेरे घर में जितने भी मेरे कज़न्स हैं अम्मी हैं खाला हैं का बर्थडे मुझे याद होता है तो मैं सबको उनके एक दिन पहले विश कर देती हूँ बारह बजे तो बस यही चीज़ मेरे साथ भी होती है आप जैसा देंगे वैसा आपको मिलेगा तो वैसे ही सेम मेरी खालाएँ है, जो हैं वो सब माशाल्लाह सारी मेरी खलाएँ अम्मी अबू बहनें कज़न्स सब ने मुझे एक दिन पहले ही विश कर दिया था तो उन्होंने कहा हमें तुम्हारा बर्थडे याद था और हर साल कोई ऐसा दिन नहीं आ, साल नहीं जाता है जब मुझे 12 बजे हमारे टाइम से 12 बजे जो है विश करते हैं सारे के सारे थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू उसके बाद जो है फिर मैं मिशाल को रेडी करने लगी मैं उसको बता रही थी कि हम जब छोटे थे तो ऐसे ही ना नानी जो है वो ऐसे ही बाल बनाया करती थी तो वो वो हमेशा कहते हैं ना कि दिन निकल जाता है बात रह जाती है खैर फिर उसके बाद जो है मैं मिशाल को स्कूल छोड़ने आ गई थी काफ़ी ठंडक थी और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी बस मैं मिशाल को छोड़ कर के आ गई थी और फिर उसके बाद में जो है हस्बैंड और अमीन दोनों सो रहे थे तो मैंने सोचा जल्दी से इनके सोते सोने से उठने से पहले मैं जल्दी से अपना खीर और चना मसाला जो है वो मैं बना लूँ मैंने एक साइड जो है पैन को गर्म होने रख दिया था और दूसरी तरफ़ मैंने चने लिए थे एक बाउल और उसमें मैंने पानी नमक और हल्दी डाल के मैंने उसको बॉईल करने के लिए रख लिया था ये जो है ये मैंने कच्चा दूध लिया था ऑलमोस्ट एक लीटर के करीब और मैं एक कर हमेशा ये चीज़ करती हूँ कि जो खीर का जो पाउडर होता है ना वो मैं बना कर रखती हूँ ये कोई पैक्ड पाउडर नहीं है ये जो है ये सूजी और चावल उसको धो के सुखा के फिर पीस के और सारे जो नट्स होते हैं वो मैंने सारा कुछ एक डब्बे में बना करके मैं रखती हूँ ताकि जब भी आपको खीर बनाने की क्रेविंग हो रही हो तो आप जल्दी जल्दी कच्चे दूध में भी या पके हुए दूध में आप उसमें जस्ट आप मिक्स कर लें और वो बन जाती है ये बहुत टेस्टी बनती है एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं मैं ज़रूर आप लोगों के साथ में इंशाल्लाह शेयर करूंगी कि मैंने कैसे इसको बनाया था खीर को जो है मैंने पिस्ता पाउडर से और सारे जो नट्स थे मेरे पास कटे हुए ये मैंने रमज़ान से काट के रखे हुए थे तो मेरे पास अभी भी हैं तो ये इसी से मैंने उसको गार्निश कर लिया बिलीव मी इतने मज़े की बनी थी ना जैसे ही चने उबल गए थे तो फिर मैं एक साइड पे जो है टमाटर काट रही थी और फिर एक सॉस पैन में मैंने दो से तीन चम्मच जो है वो मैंने तेल ले लिया था और फिर उसमें ज़ीरा कड़ी पत्ता और हींग असु जिसे कहते हैं वो मैंने डाल के उसका तड़का लगा दिया और फिर उसके बाद में जो है दो मैंने मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली थी और उसको बारीक चॉपर में चॉप कर लिया था और उसको लाइक लाइट पिंक मैंने किया फिर उसके बाद में टमाटर और सारे जो सूखे मसाले होते हैं हल्दी मिर्चें धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला और अमचूर पाउडर जो है वो मैं डाल करके और फिर उसके बाद में जो है मैंने इसमें चने जो हैं जो बॉईल किए हुए थे वो मैंने इसमें शामिल कर दिया और उसको खूब अच्छे से मिक्स करके और सारा मसाला खूब अच्छे से भून लिया था और हाँ मैंने इसमें एक चम्मच जो है अदरक लहसन का पेस्ट भी मैंने शामिल कर दिया था एंड में मैंने इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी डाला था तो वो भी एक चम्मच बड़ा मज़ा आ रहा था उसका बिल्कुल और ऐसा लग रहा था जैसे कि हम जहाँ बॉम्बे में खाते होते थे ना बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आ रहा था इतना अच्छा लगता है ना कभी कभी आपको अपने बैक होम की यादें जो हैं वो आपको इतनी अच्छी लगती हैं कि आप कभी कभी सोचते हैं कि काश वापस दिन पलट जाए लेकिन ऐसा हो नहीं सकता इसको एंड में सिर्फ पाँच मिनट मैंने ढक के पकाया है उसके बाद जो है वो चना मसाला रेडी हो गया था इतना मज़े का ये बना था ना बिल्कुल जूसी सा और टेम्पटिंग लग रहा था बिल्कुल हस्बैंड को खीर पूरी और चना मसाला बहुत पसंद आया अच्छा मैंने इसको जो है ना वो गार्निश किया था ग्रीन स्प्रिंग अनियन से बहुत अच्छा टेस्ट था इसका हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा यानी बना है सारा कुछ ना तो बस यही एक चीज़ें होती हैं जो आप अपने घर वालों को थोड़ा सा सरप्राइज़ दे देते हैं कभी वो आपको सरप्राइज़ दे देते हैं पूरियाँ भी मैं तल रही थी तो मेरा सारा कुछ हम खा पी के मॉर्निंग और ब्रेकफास्ट जो है वो हमारा हो गया था सारा फिर उसके बाद में जो है फिर शाम के टाइम पे जो है हस्बैंड ने कहा चले हम बाहर चलते हैं खाने के लिए तो ये मेरा आउटफिट था ये अम्मी ने मुझे ईद के टाइम पर सी के भेजा था तो मैंने बस वही पहन लिया तो मुझे वही अच्छा लग रहा था और ये बस देखें हम अब कार में बैठ के जो है हम जा रहे थे लाहौर कबाबिश ये हमारे यहाँ से तकरीबन आधे घंटे का रास्ता है और वहाँ पर हम लोग काफ़ी अच्छा वहाँ पे डिनर किया हमने जैसे यखनी पुलाव और बच्चों के लिए चिप्स वग़ैरह मंगा लिए थे और ये एक प्लेटर आया था सीख कबाब का और चिकन का बहुत ही मज़ेदार खाना था और ये नान थे ये नान मेरे ख्याल से शायद ये प्लेटर के साथ में था और बहुत मज़ा आ रहा था ये मिशाल की और मेरी प्लेट थी और हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया घर आने के बाद शाम में जो है मैं पूरा घर रेडी करके गई थी बस के हम आएँ और सो जाएँ बस बहुत थक गए थे दिन भी बस गुजर गया बहुत अच्छा गया अल्लाह का शुक्र है बहुत बहुत के अपनी फैमिली के साथ में हम दो पल खुशी के भी बिता सकते हैं अपने तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अपना भी ख्याल रखें अपने प्यारों का भी ख्याल रखें और मेरे चैनल का भी मिलते हैं अगले व्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ टेक केयर गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग